जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप अपने करियर में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं इस टॉपिक पर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को पाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, बहुत कुछ, लेकिन फिर भी उनके पार्टनर उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, फिर भी उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं, आखिर वो इतना कैसे बदल सकते हैं? जिन्होंने कभी आपसे जीने मरने के वादे किए हैं, जिन्होंने कभी इतनी कस्में खाई हैं, जिन्होंने कभी हर वक्त साथ निभाने का वादा किया था, आज वो ऐसे कैसे मुकर सकते हैं? तो आज इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं कि आखिर क्या कारण है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको लंबी सी गहरी सांस लेनी है और एक ऑप्शन चूज़ करना है, जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो, और उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, एक बात और, अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना हो, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखिए, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए। क्योंकि डियर, ये जर्नल रीडिंग होती है, कभी कुछ चीज़ें मैच करती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें मैच नहीं करती हैं, तो अंडरस्टैंडिंग तो दिखानी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, ना कि कमेंट बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा नंबर है, वो हमारा नंबर है, रियल हमारा नंबर है, तो आप वहाँ पर कांटेक्ट करिए, आपको पता चल जाएगा कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। लेकिन डियर, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जिनसे प्यार करते हैं या फिर जिनके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, ये जो भी हैं, ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है? इनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए? तो इस रीडिंग में हम यही सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम इनके साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। अच्छा, इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा कम है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, चलिए इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। इनका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 2 तारीख, 30 तारीख, 22 तारीख और 13 तारीख को हुआ होगा। स्ट्रॉन्गली आपका भी हो सकता है। बर्थ मंथ की बात करते हैं, नवंबर। जी हाँ, इनका बर्थ मंथ नवंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका भी हो सकता है और इनका भी हो सकता है। फरवरी, मई, जून, अप्रैल, सितंबर, बस इतना ही है। अच्छा, हम इनिशियल की बात कर लेते हैं। इनिशियल में उनके नेम का फर्स्ट लेटर बी हो सकता है, बी, एल, आई, डी, आर, ए, एन, पी,
और वाई आपका भी हो सकता है। ये जो एनर्जी है इसमें हम आपकी भी एनर्जी देख रहे हैं, तो ये जो इनिशियल हमने बताए हैं आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें हमने क्यों बताई हैं, क्योंकि जिससे आपको पता चले कि हाँ ये चीज़ें आपके पार्टनर से मैच कर रही हैं, तो आगे की रीडिंग डेफिनेटली आपकी ज़रूर होगी। ठीक है, अच्छा देखिए ये जो पर्सन है हमें यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि इनसे आपका एज डिफरेंस इशू हो सकता है, फिनेंशियल इशू भी हो सकता है। जी हाँ, फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, और देखिए इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के दरमियान, और हमें बहुत सारे लोगों के पार्टनर मैरिड नज़र आ रहे हैं। हमें लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप शायद किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनकी एज 40+ है, जिनकी एज 40+ है और वो मैरिड हैं, वो मैरिड हैं और आपको उनसे प्यार हो गया है, उन्हें आपसे प्यार हो गया है, लेकिन उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और वो आपको पसंद करते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी तरफ खिंचाव भी महसूस करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें डर लगता है कि अगर वो आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ गए, अगर उन्होंने आपसे अपने दिल की बात कह दी तो बहुत बुरा हो जाएगा। उनके हस्बैंड या वाइफ से वो बहुत डरते हैं, या हमें ऐसा भी लगता है कि शायद वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उन्हें समाज की बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा चिंता है, तो इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो चीज़ें और आगे बढ़ जाएंगी। अच्छा, यहीं पर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, अब दोनों की जो एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं सेम है। कैसे? आप भी इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, ये भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। नींद आपको भी नहीं आती, नींद इन्हें भी नहीं आती है। आपको भी लगता है कि कुछ ये अलग लेवल का अट्रैक्शन है जो किसी रीज़न की वजह से नहीं है। कभी कभी जो बहुत पुराने रिश्ते होते हैं ना, जो कई जन्मों के होते हैं, हो सकता है कि उनकी शादी कहीं और हो गई हो, आपकी शादी कहीं और हो गई हो, लेकिन जब हम मिलते हैं अपने कई जन्मों के पार्टनर से तो उनको पहली बार देखते ही हम एक अजीब सा महसूस करते हैं, एक अजीब सा एहसास होता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ होता, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो है इसमें। लेकिन अब एहसास जो हो रहा है वो मन में रहता है, फिर दिमाग कहता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, परिवार को पता चल जाएगा, बहुत बवाल होगा, बहुत इशू क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर बातें ऐसी हैं जैसे कि ये जो पर्सन है, आपको हो सकता है कि लगता हो कि शायद जो चीज़ें मेरे मन में है वो उसके मन में नहीं है, वरना वो मुझे इग्नोर क्यों करती, वरना वो मुझे इग्नोर क्यों करता, वो इस तरह का बिहेव क्यों करता, आपको लगता है ऐसा, लगता है। लेकिन इनके मन में भी सेम चीज़ें हैं, लेकिन इन्हें डर है पता नहीं किसका, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, इन्हें टेंशन है इस बात की कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। अब देखिए इधर जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको आपके खिलाफ़ भड़काया जा रहा है। एक तो उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दूसरा आपके खिलाफ़ भड़काने वालों की कमी नहीं है उनकी ज़िंदगी में, जो दिन रात उनके कान भरते ही रहते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करते रहते हैं आपको लेकर, आप ऐसे हो, वैसे हो, आप ये हो, वो हो, अगर वो आपसे बात करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की बातें। लेकिन दिल का क्या करें, लोग भड़का तो रहे हैं आपके खिलाफ़, इससे क्या होगा, वो बात नहीं करेंगे, लेकिन उनका जो दिल आपको बहुत बहुत ज़्यादा चाहता है उसका क्या, वो दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, ये समझ लीजिए।
उन्हें भी ऐसा फील होता है जैसे कि ईश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। आपको देखकर, आपसे बात करके एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा एहसास आप दोनों ही महसूस करते हैं, लेकिन बस यही कि फीलिंग्स छुपाई जा रही हैं। जिनके पार्टनर के साथ आपका लाइक एज डिफरेंस इशू है, तो उन्हें थोड़ा सा लगता है कि अगर किसी को पता चल गया इस रिश्ते के बारे में तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि मैंने जो इतने दिनों में इज्जत कमाई है उसका क्या होगा। अच्छा, हमें ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग ऐसी लग रही है लाइक जैसे कि एक न्यू कनेक्शन है। ऐसा नहीं कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और ब्रेकअप हो गया हो, लड़ाई झगड़े बहुत चले हों, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि बातचीत नॉर्मल वे में हो रही है और बस जो दिल की बातें वो एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, अट्रैक्ट भी हो रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। और आपके जो पार्टनर हैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा डर है इस बात का, बहुत ही ज़्यादा, कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को पता चल जाए। इन्हें खुद की फीलिंग्स से ज़्यादा लोगों की परवाह है, लोगों की टेंशन है, और इन्हें इस बात की फिक्र है कि अगर इनके घर में पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे इनका, और इनकी छवि ख़राब हो जाएगी। इस वजह से वो बच रहे हैं आपसे, वो आपसे बात इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि वो दिन प्रतिदिन आपकी तरफ खींचते जा रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ अपना कोई फ्यूचर नहीं देखते, और इस वजह से वो आपसे दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनके ऊपर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना बर्डन है, प्लस अगर हो सकता है ये आपके हस्बैंड वाइफ हों कुछ लोगों के लिए, तो उन्हें आपके खिलाफ बहुत भड़काया जा रहा है, जिससे आपसे वो कभी बात ही ना करें। उन्हें आपकी बहुत याद आती है, उनका मन होता है आपसे बात करने का, लेकिन अब उन्हें लगता है कि मैं किसकी सुनूं, परिवार की या फिर अपने दिल की। मुझे तो दोनों को बैलेंस करके चलना है, लेकिन परिवार उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। कुछ लोगों के लिए शायद आपके पार्टनर हैं लेकिन उनकी फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों एक हों। कुछ लोगों के लिए शायद आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हों, लेकिन उनकी फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों एक हों। इस वजह से दिल तो कहता है कि चल उनसे मिल, लेकिन उठते हैं कदम रुक जाते हैं, क्योंकि हमारे घर के लोग हमें बहुत ज़्यादा भड़काते हैं। तो घर के लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भड़का रहे हैं। इस वक्त ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं, समझ रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म सी हो रही हैं और इन्हें समझाने वाला कोई नहीं है। ये बस सोचते रहते हैं। इनको ओवर थिंकिंग करने की आदत है, बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, और सोच कर चीज़ों को बड़ा करने की, फिर उन पर उन चीज़ों को लेकर झगड़ा करने की आदत है, समझ रहे हैं। लेकिन एक बात अच्छे समझिए कि ये अभी जो कर रहे हैं बहुत समय तक ये सब नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जल्द आपके पास वापस आएंगे, ये बहुत जल्द आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। आपकी एनर्जी ऐसी है, वेट करूं या फिर मूव ऑन करूं? आप हर पल उनके कॉल का, उनके मैसेज का, उनके आने का इंतज़ार करते हैं कि काश उसे समझ में आए कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। आपको लगता है कि आपको भी फील होता है कि वो जो हैं आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन फिर आपको लगता है जब पसंद करते हैं तो फिर बात क्यों नहीं करते, और आप वेट भी करते हैं कि काश वो अपने दिल की बात कहता, काश वो अपने दिल की बात कहती। तो इस वजह से आप इंतज़ार कर रहे हैं बहुत समय से, यहाँ पर बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब इंतज़ार इस हद तक आगे बढ़ गया कि आपको कभी कभी लगता है कि शायद वो कभी ना आए मेरे पास लौट कर, शायद वो कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं कहेगा कि उसे मुझसे प्यार है, शायद ये प्यार ही एक तरफा है। कभी कभी आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर आपका मन होता है कि मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
लेकिन फिर भी कुछ है ऐसा जो आपको उनसे जोड़ कर रखता है। आप चाह कर भी उन्हें नहीं छोड़ पाते हैं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हर वक्त उनसे जोड़ने का काम करती है। आप उनसे भागना चाहते हैं, लेकिन कोई है जो आपको उनसे जोड़ता है। जब आप मूव ऑन करने की ठान लेते हैं ना, तो फिर इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाई पड़नी शुरू हो जाती हैं। इनके नेम का फर्स्ट लेटर, किसी का इनके जैसा ड्रेसिंग सेंस, किसी का इनके जैसी हेयर स्टाइल। एक होता है ना कि हमें सामने वाले के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पसंद होती हैं, उसका चेहरा, उसकी आँखें और उसके बाल, जो भी बहुत सारी चीज़ें, तो कुछ ना कुछ ऐसा बाहर दिख ही जाता है जिससे आपको उस पर्सन की याद आने लगती है। वो सॉन्ग है ना कि रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, वो हमें और भी याद आने लगे। आप रूठ कर भूल जाने की कोशिश करते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं कौन है, क्यों है, ईश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आपको अलग होने ही नहीं दे रहे हैं। और बस आपकी ज़िंदगी अब दो चीज़ों में घुट रही है कि आप चाहते हैं दूर जाना तो जा नहीं पाते, और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आता भी नहीं है। ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कितनी भी हिम्मत करिए आप, लेकिन जैसे कि कोई जोड़ के रखता है। अब हम बताते हैं वो जो आपको जोड़ कर रखते हैं वो क्यों रखते हैं। बहुत पुराना रिश्ता है, कई जन्मों का, लेकिन कुछ कर्मा बाकी है, समझ रहे हैं आप दोनों का कुछ कर्मा बाकी है। कुछ कर्मा ऐसे हैं पास्ट लाइफ के जो जब तक क्लीन नहीं होंगे, जब तक रिलीज़ नहीं होंगे, तब तक आप दोनों मिल नहीं सकेंगे। आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, जो हमारे सीरियल्स होते हैं, आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि श्राप दे देते थे कपल्स को, लाइक हस्बैंड वाइफ को या फिर किसी को, कि तुम दोनों इतने समय तक दूर रहोगे, तुम नहीं मिल पाओगे, ऐसी चीज़ें। अगर हमसे पूर्व जन्म में कुछ गलतियाँ होती हैं ना, तो बददुआएँ तो लगती हैं। हम हमेशा कहते हैं जितना हो सके दुआएँ लो, बददुआएँ नहीं। तो किसी की बददुआ है या फिर कुछ कर्मा बिगड़ा आप दोनों का, जिसकी वजह से आप हो तो एक दूसरे के, लेकिन हो नहीं सकते एक दूसरे के, हो नहीं पा रहे हैं। हमें पता है लाइन, सॉन्ग्स की लाइन याद आ रही है, जैसे कि जो चीज़ें हम शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे ना, तो ईश्वर देखिए ना हमें सॉन्ग दे रहे हैं हमारे इंट्यूशन में। मैं मर जाऊँगा अगर मुझे कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। हाय कितनी प्यारी लाइन है। तो मैं तेरा ही हूँ लेकिन तेरा हो नहीं सकता। ये जो आपके पार्टनर है ना, ये इनकी एनर्जी है, ये दिल से आत्मा से आपके हैं लेकिन आपके हो नहीं सकते। और आप पता नहीं जाना चाहें तो कोई आपको जाने नहीं देता, क्योंकि आगे चलकर आप दोनों का मिलन तय है। 100% आप दोनों आगे चलकर मिलोगे, आप दोनों एक होगे, आप दोनों को जस्टिस मिलेगा, आप दोनों की बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जो बाकी हैं और उन्हें क्लीन करना है, समझ जाएं। जस्टिस यहाँ पर दो बार आया है। जस्टिस मतलब कि ईश्वर की तरफ से न्याय होगा, कुछ है जो क्लीन हो जाएगा, कुछ बुरा कर्म, कुछ गलतियाँ जो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओगे, इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पर ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको कभी भी आपके पार्टनर से दूर जाने नहीं देंगे। अभी देखिए वो आपसे बात नहीं करते हैं, लेकिन वो आपको याद करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उन्हें याद करते हैं, वो आपको याद करते हैं, और इसी वजह से आपको ना चाहकर भी उनकी इतनी याद आती है। क्योंकि जब हम किसी को याद करते हैं ना, तो एक तरीके की इमोशनल एनर्जी या फिर कैसी भी एनर्जी, हम लाइक हमारे अंदर जो एनर्जी क्रिएट होती है, हम उसे सेंड कर रहे होते हैं, उसके बारे में जब डीपली सोचते हैं। तो इधर ना बहुत रूह के लेवल का कनेक्शन है, बहुत रूह का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, लेकिन बस अभी ये भाग रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से। अब देखिए जो लोग मैरिड हैं, जिनके
परिवार वाले आपके खिलाफ उन्हें भड़का रहे हैं। बहुत समय तक ये नहीं हो पाएगा, बहुत समय तक नहीं, बस होता है ना कि अभी तुम्हारे दिन हैं तो कर लो जो करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे दिन नहीं आएंगे। एक दिन मेरा दिन भी आएगा और एक दिन आपका भी दिन आएगा जब ये सब किनारे हो जाएंगे, इन सब की छुट्टी हो जाएगी और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओगे। आप दोनों का बहुत बहुत जैसे कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत अच्छा बॉन्ड है। कई जन्मों में आप दोनों पति पत्नी बन चुके हैं एक दूसरे के, कई जन्मों में, समझ रहे हैं। तो अभी डियर आपके पर्सन आपसे बात करें ना करें, लेकिन स्टॉप तो कर रहे हैं, बात करें ना करें लेकिन नज़र उनकी पूरी है आपके ऊपर। हाँ, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ। अब देखिए एक बात और, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि इस वक्त आप कुछ भी बुरा मत सोचिए कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगी, ऐसा कुछ मत सोचिए। बस अपने करियर पे फोकस करिए, एक तो स्पिरिचुअल लाइफ को, दूसरा करियर को बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि जब वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना तो फिर हमेशा के लिए आएंगे। करियर में अगर फोकस करेंगे तो आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी, है ना। दुनिया में जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करेंगे तो मन शांत रहेगा, मन खुद को आपको परेशान नहीं करेगा, और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आसपास, टॉक्सिक चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो क्लीन होती जाएंगी, और मेडिटेशन करने से जो कर्मा है वो भी क्लीन हो जाएगा। हो सकता है कि आपका मिलन 10 साल बाद लिखा हो, अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं अच्छे से, कर्मा क्लीन हो जाता है, तो हो सकता है वो जो समय की अवधि है, वो जो टाइमिंग है, वो कम हो जाए, क्योंकि कर्मा क्लीन हो गया ना, जो लंबा टाइम था वो कम हो गया। हो सकता है कि 2 साल में ही, 2 महीने में आप दोनों मिल जाएं। तो यहाँ पर चीज़ें अब आप पर डिपेंड है, वो आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस ये समझिए कि कुछ कार्मिक लोग हैं जो एक नहीं होने दे रहे हैं। और हो सकता है कि हमने बताया था ना कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप भी मैरिड हो सकते हैं, या फिर वो मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ समय बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अभी जो भी है सिर्फ कर्मा की वजह से है, और जो इतनी टेंशन है ना कि अरे वो है तो फिर कैसा होगा, वो ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब आप ईश्वर पर छोड़ो। उनके लिए सब एक, जैसे कहते हैं, बाएं हाथ का खेल होता है, उनके लिए दाएं हाथ का भी नहीं, बाएं हाथ का खेल है। तो सब ईश्वर पर छोड़ दो, अपना दिमाग मत चलाओ कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगा, वो क्या एक्शन लेगी, वो क्या एक्शन लेगा, सब उन पर छोड़ दो। जो चीज़ें हमें बहुत बड़ी लगती हैं वो ईश्वर के लिए बहुत छोटी होती हैं, है ना, वो उनके लिए बहुत छोटी होती हैं। तो आगे चलकर सब कुछ वो इस तरह से सेट कर देंगे कि कोई टेंशन ही नहीं होगी और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इधर बहुत अनकंडीशनल लव है, लेकिन आपके पार्टनर आपको दिखाते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, बताते नहीं हैं वो आपसे किस कदर प्यार करते हैं। रातों में उठ उठ कर आपके लिए रोते हैं, उन्हें कितनी बेचैनी, कितनी घबराहट होती है, लेकिन चीज़ों ने उन्हें बांध के रखा हुआ है, जिम्मेदारियों ने उन्हें बांध के रखा हुआ है, समाज की जैसे कि जो मर्यादाएं हैं ना उसमें वो बंधे हुए हैं, मर्यादा के पार एक कदम भी वो अभी नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन बहुत समय तक ऐसा नहीं होगा। और आपका जो इंतज़ार है, आपको लगता है वेट करूं, मूव ऑन करूं, आप वेट करिए, आपका जो इंतज़ार है वो जल्द पूरा होगा। बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, हमने बताया था ना सोशल मीडिया के थ्रू, हो सकता है आप मिले हो इनसे, जो भी है ये जो दूरियां हैं ना ये बहुत जल्द ख़त्म होंगी, ट्रस्ट मी। ईश्वर पे यकीन करिए, हम पे नहीं, ईश्वर पे। आपकी आत्मा कहती है कि आप इनके लिए ही बने हैं और वो आपके लिए बने हैं, बस जो बीच में लोग हैं, जो रुकावटें हैं, वो सिर्फ कर्म की वजह से, कुछ बैड कर्मा की वजह से, वरना आप दोनों पास्ट लाइफ के हस्बैंड वाइफ हैं, कई जन्मों के। तो बात ना करना मैटर नहीं करता है, अभी चीज़ें इम्बैलेंस हैं, एनर्जी इम्बैलेंस है, और कुछ कर्मा है, कुछ नेगेटिविटी है, इन सब चीज़ों को आप ही बेटर कर सकते हैं, एक तो सब्र करके, दूसरा मेडिटेशन करके। अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता तो आप डेली 2 पेज गायत्री मंत्र भी लिख सकते हैं, आप डेली
दो पेज गायत्री मंत्र लिखिए, चाहे सोते वक्त लिखिए, चाहे दोपहर में लिखिए, जब भी आपको टाइम मिले टारगेट बनाइए कि आपको डेली दो पेज गायत्री मंत्र लिखना है तो लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि हम लोग खाना नहीं भूलते ना, बहुत सारे काम हम करने नहीं भूलते, ऐसे ही ये समझ लीजिए कि जो मंत्र होते हैं इनसे जो ऊर्जा मिलती है वो हमारी आत्मा का भोजन है, और अगर हमारी आत्मा तृप्त रहेगी ना तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो किसी भी फील्ड में हमें कोई हरा नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो, हम सब कुछ हासिल कर लेंगे अपने दम पे। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ये आपके हैं और आपके रहेंगे। बस अभी करंट में लाइफ में जो चुनौती है उसका सामना करना पड़ रहा है। करंटली आप दोनों हो सकता है बातचीत ना कर रहे हो, ठीक है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। ये जो पल चल रहे हैं, जो समय चल रहा है, ये बहुत समय तक ऐसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा ये, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है, क्या कारण है। कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक इस इंसान को हुआ क्या, ये इंसान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है आपके साथ, आखिर इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। बता दें, बहुत स्ट्रांग साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, मतलब कि अर्थ साइन। और देखिए दूसरा साइन है यहाँ पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, एयर साइन। तीसरा साइन जो इधर बहुत स्ट्रांग है वो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस कर्क वृश्चिक मीन राशि। वाटर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस है, लेकिन बहुत कम है। एक बात बताएं, रीडिंग बड़ी पॉजिटिव है, पूरी सुनकर जाना, स्किप मत करना बीच में, दिल खुश कर देने वाली रीडिंग है ये। चलिए डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। किसी भी महीने की 6 तारीख, किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, हाँ, और देखिए 21 तारीख, 8 तारीख, 8 तारीख बहुत स्ट्रांग है, किसी भी महीने की 4 तारीख, 3 तारीख और 18 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 13 तारीख, 29 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, ठीक है। अब इस डेट में आपका जन्म हुआ होगा या फिर आपके पार्टनर का जन्म हुआ होगा। अब बताते हैं कि बर्थ मंथ क्या क्या है। इधर अगस्त बहुत स्ट्रांग है, उसके बाद है मार्च, जी हाँ मार्च, जुलाई, जून, फरवरी, सितंबर। जून बहुत स्ट्रांग है, मई बता दी ना हमने, मई, फरवरी, जून, ये बर्थ मंथ है यहाँ पर, ठीक है। नेम के इनिशियल की बात करते हैं, आर, आर राजकुमार, पी ए एन यू एस जी
एम के ओ आई ए एल, ठीक है। ये यहाँ पर नेम का इनिशियल है, इसमें आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है, ये समझ लीजिए। ये जो पर्सन है ना, हमें ऐसा लगता है कि जिनके बारे में आप देख रहे हैं, इनसे आपकी बहुत पुरानी जान पहचान नहीं है, अभी एक दो महीने की दोस्ती है, समझ रहे हैं, एक दो महीने की दोस्ती है और कुछ लोगों का बहुत पुराना प्यार है। सबका बहुत पुराना नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों का है, हम यूँ कहें कि 20% ही लोगों का, 20% लोगों का पुराना रिलेशनशिप है, लेकिन प्यार तब भी नहीं था, जान पहचान थी केवल। वो आपको प्यार करते थे, वो आपको पसंद करते थे, लेकिन आपके साथ पता है क्या था, वो आपको चाहते थे, आप किसी और को चाहते थे, ये चल रहा था। और फिर ये मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को, ये खेलते खेलते आपकी शादी किसी और से हो गई, या फिर आप किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन इस बेचारे का क्या हुआ, ये तो आपको चाहता था और चाहता रहा, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप जब मिले इनसे, कुछ लोग तो अभी हाल फिलहाल मिले, और कुछ लोगों का हम बताएं कि अभी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, अभी भी ये सोचते हैं ये कि आपकी लाइफ में कोई और है, आपकी लाइफ में कोई और है, और इसी वजह से इनका प्यार आपको दिखाई नहीं देता। ये आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना पॉजिटिव वाला प्यार करते हैं, पर आपको वो समझ में नहीं आता, रीज़न क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है इस वजह से, या फिर जैसा इंसान आपको चाहिए वैसी क्वालिटीज़ इनके अंदर नहीं है, ये किसी भी कीमत में के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि आपको इनके प्यार की कदर ही नहीं है, आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। आप उनके पीछे भागते हैं जो आपको इग्नोर करते, जो आपको ठुकराते हैं, और आप इन्हें ठुकराते हैं जो आप पर जान छिड़कते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के कॉलेज फ्रेंड हो, बहुत अच्छे दोस्त हों आपके, कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद ये आपके ऑफिस के फ्रेंड हैं, पर जैसे कि कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है इनके साथ, ये समझिए। लेकिन आपकी तरफ से हमें नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वाकई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी जी तो रहे हैं लेकिन उस पर ज़िंदगी नहीं है। अगर आपकी शादी हो गई है कुछ लोगों के लिए, तो आप खुश नहीं हैं उसमें, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बस ठीक है चल रहा है, लेकिन आप समझते तो हैं कि आपसे प्यार करते हैं, पर आपको लगता है कि अब मेरी शादी हो गई है और शायद अब मुझे मेरे बारे में सोचने का कोई हक नहीं है, इस इंसान की अच्छी खासी ज़िंदगी में क्यों ख़राब करूं, क्यों बर्बाद करूं, मेरी तो बर्बाद हो ही चुकी। ये आपको बहुत समय से चाहते हैं, बहुत समय से, बहुत पहले से, अगर ये आपके कॉलेज फ्रेंड हैं, स्कूल फ्रेंड हैं, या फिर आपके कोई रिश्तेदार है जो आपको बहुत पसंद करते थे लेकिन आपकी शादी किसी और से हो गई, ये उस वक्त आपसे कह नहीं पाए, आपको बता नहीं पाए, आप इनके ना हो पाए, आप किसी और के हो गए, तो समझते तो आप भी हैं, लेकिन आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में कोई भी गलती नहीं करना चाहते। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको लगता है कि मैं किसी को कहने का मौका नहीं देना चाहती, मुझ पर कोई उंगली उठाए मैं किसी को ऐसा मौका नहीं देना चाहता, भले ही मेरी ज़िंदगी कैसी हो, भले ही मेरी लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन मेरे माता पिता का सर झुके या फिर मेरे चरित्र पर कोई उंगली उठाए, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो आप में से कुछ लोग तो डियर इस वजह से इनके प्यार को इग्नोर कर रहे हैं, और इसी वजह से आपसे गुस्सा है, इसी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे, कि मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं है इस इंसान को, मैं इसे इतना चाहता हूँ, मैं इसे इतना पसंद करती हूँ, पर ये मेरी तरफ देखता भी नहीं है, हाँ एज अ नॉर्मली बात कर लेता है ये मुझसे, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझसे उस तरह से बात नहीं करता जैसा मैं चाहता हूँ।
और इसी वजह से आपसे नाराज़ हैं, इसी वजह से आपसे गुस्सा हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। इन्हें लगता है कि ठीक है अगर आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो तो ठीक है मस्त रहो, लेकिन मेरा जो प्यार है ना वो शारीरिक लेवल का नहीं है, आत्मिक लेवल का है और जो कि हमेशा रहेगा। मेरा प्यार तुम्हारा प्यार पाने का मोहताज नहीं है। कहते हैं ना कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, उसमें कि सामने वाले के चाहने का कोई भ्रम नहीं होता, वो चाहे या ना चाहे हम तो चाहते हैं, बात ख़त्म। तो कुछ ऐसा आप इन्हें चाहे ना चाहे पर ये आपको चाहते रहेंगे और अपनी हर दुआ में ये आपको मांगते रहेंगे। ये जो पर्सन है ना बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है और बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर ना बहुत मेच्योरिटी है, बहुत समझदारी है ज़िंदगी को लेकर, और ये आपको भी बिल्कुल इसी लहजे से देखते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है। और देखिए इधर दूसरी कंडीशन, अगर आप मैरिड नहीं हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं और आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनसे आपकी हाल फिलहाल दोस्ती हुई है, तो आपने हो सकता है कि इनसे अपने एक्स के बारे में बताया हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने इनसे अपने एक्स पार्टनर के बारे में बताया था और अभी आजकल इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। तो डियर ये आपसे बात इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप ना इनसे मतलब के लिए बात करते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है, लाइक हो सकता है कि आपने इनसे अपने एक्स पार्टनर के बारे में बताया हो, आपने इन्हें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताया हो कि आपकी ज़िंदगी में पहले कौन था, कैसा था, आजकल क्या चल रहा है, तो पहले आप इनके करीब आए लेकिन आपकी लाइफ में वो पर्सन फिर से लौट आया तो आप इनसे फिर से दूर चले गए, और फिर से जब वो आपसे दूर जाता है तो फिर आप इनके करीब आ जाते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप मतलबी हैं, मतलब कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपकी कोई भी कंडीशन हो, कंडीशन नंबर वन या फिर कंडीशन नंबर टू। तो इन्हें ये लगता है कि जब आपकी लाइफ में दुख आता है तब आपको ये याद आ जाते हैं, आप इनसे बातचीत करने लगते हैं, सब कुछ ठीक कर लेते हैं, और जब आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है तब आपको इनकी याद नहीं आती। इन्हें लगता है कि आप बहुत सेल्फिश हैं कुछ चीज़ों के लिए, इन्हें ऐसा लगता ही है, बल्कि ऐसा है नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर फैमिली इशू भी है आप लोगों के दरमियान, समझ रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो, और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। आप नहीं चाहते कि किसी को कहने का मौका मिले, आप नहीं चाहते कि कोई भी आपके चरित्र पर उंगली उठाए, आप नहीं चाहते कि कोई आपको कलंकित करे, आपकी कोई भी कंडीशन हो, आपने भी दुनिया देखी है और आपको भी लगता है कि लाइफ में अब आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन इन्हें लगता है कि आप सेल्फिश हैं, आप मतलब के लिए इनसे बात करते हैं, और इसी वजह से ये अब अपना दिल नहीं तोड़ेंगे आपकी वजह से, और इसी वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, इसी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि इनका प्यार आपको दिखाई नहीं देता और आप देखकर भी शायद नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि आपके पास ये भी हैं और एक और भी है कोई, और उन दोनों को लेकर आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं। तो इन्हें लगता है कि अगर कभी भी कोई ऐसी बात आती है तो आप स्वाभाविक है कि उनको ही चूज़ करेंगे, उनको ही चूज़ करेंगे जो पहले से आपकी लाइफ में है, आप इनको चूज़ नहीं करेंगे तो फिर इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, फिर तो इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी ना। इसी वजह से अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप हमेशा इनके प्यार को ठुकरा देते हैं, आप इनसे हज़ारों झूठ बोलते हैं लेकिन फिर भी ये उन्हें नज़रअंदाज करके आपका सपोर्ट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, इमोशनली आपको समझते हैं, समझाते हैं, लेकिन आप इनके इमोशंस को बहुत हर्ट करते हैं और इसी वजह से अभी आपसे नाराज़ हैं और ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं और ये अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन डियर ये आपसे प्यार बात करते हैं, ये आपके साथ सोलमेट कनेक्शन, ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हैं, समझ रहे हैं। ये सोचते हैं कि अगर आपके साथ शादी हो जाए इनकी
तो फिर ना कभी ज़िंदगी में आप दुखी रहेंगे ना ये दुखी रहेंगे, क्योंकि आप दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है एक दूसरे को लेकर, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन फिर भी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होने के बाद भी वो जो कनेक्शन है ना, वो सिर्फ इन्हें एक तरफा लगता है कि मेरा जो प्यार है वो एक तरफा है। इस इंसान को कभी समझ में नहीं आता है कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करती हूँ। आपको पता है ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये अपनी हर दुआ में आपको मांगते हैं, ये ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि अगर ये इंसान कभी मेरा हो नहीं सकता तो फिर आपने इसे मिलाया क्यों मुझे, आपने इससे क्यों मिलाया था, ये इंसान मेरे साथ गेम क्यों खेलता है, ये इंसान मुझे हर्ट क्यों करता है। जब इसका मन होता है तो आ जाता है, जब इसका मन होता है तो चला जाता है, जब इसका मन होता है तो ये चला जाता है। आखिर आप चाहते क्या हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं। तो डियर, ये जो पर्सन है ना, ये इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं और इसी वजह से ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप इनके साथ पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ, जब मतलब हुआ तो ये याद आ गए, और जब मतलब नहीं रहता तो फिर इनकी कोई खैर खबर भी नहीं लेते आप, तो फिर ये आपसे बात क्यों करें। लेकिन प्यार तो करते हैं आपसे, और बात भी करेंगे, ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और बहुत समय तक ये नाराज़गी दिखा नहीं पाएंगे, इतना समझिए। ये जल्द से जल्द आपसे बात करेंगे। इधर पता है, हमने बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये आपकी मजबूरियों को नहीं समझ रहे हैं। हमें देखिए एज डिफरेंस इशू लग रहा है, हमें लगता है कि शायद आपकी एज इनसे ज़्यादा है, इनकी थोड़ी कम है, तो आपको कभी कभी लगता है कि ये तो बचकाना है, इसे तो ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं, इसे तो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस नहीं, और इसे क्या पता कि इमेज क्या होती है। अगर एक बार इमेज पर धब्बा लग जाए तो फिर वो कभी छूटता नहीं है, एक बार कलंक लग जाए तो कभी छूटता नहीं है, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते, कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते कि कोई आपके परवरिश पर उंगली उठाए, कोई आपके संस्कारों पर उंगली उठाए। ये बात है, और आप मजबूर हैं, आप मजबूर हैं। ऐसा नहीं कि कनेक्शन आप फील नहीं करते, आप भी फील करते हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। और देखिए, जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराज़गी तो स्वाभाविक होती है। इन्हें लगता है कि आपको आपके पास्ट से निकलना चाहिए। हो सकता है कि आपका कोई पास्ट का बैड एक्सपीरियंस हो, आपको किसी ने चीट किया हो, उन सब चीज़ों को लेकर तो इन्हें लगता है कि आपको अपने पास्ट से निकलना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं, तो आपको अपने लिए एक्शन लेना चाहिए। ये सारी बातें कहने में, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत की ज़िंदगी से इनका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हकीकत की ज़िंदगी कुछ और होती है। हकीकत की ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, और आपको लगता है कि उन जिम्मेदारियों के बारे में इन्हें पता नहीं है, शायद इन पर अभी ऐसी बीती नहीं है। लेकिन हाँ, आपको फ़र्क पड़ता है, ये बात नहीं करते तो आपको फ़र्क पड़ता है, ये इग्नोर करते हैं तो आपको फ़र्क पड़ता है। इन्हें भले ही लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है। इनके करीब भी कोई जाता है तो आपको फ़र्क पड़ता है, ये ऑनलाइन हो और आपको मैसेज ना करें तो भी आपको फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी कुछ और है, और इसी वजह से आप सीरियस तो हैं इन्हें लेकर, लेकिन जताना नहीं चाहते कि आप सीरियस हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का मजाक नहीं बनाना चाहते। पहले कई बार आपकी ज़िंदगी का मजाक बन चुका है, पहले कई बार आप धोखे खा चुके हैं रिश्तों में, पहले कई बार लोगों ने आपके साथ फरेब किया है, और इसी वजह से अब आप ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहते जल्दबाजी में आकर। प्यार बहुत है, रेस्पेक्ट बहुत है, अपनापन बहुत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है, लेकिन वो चाहते हैं कि बस किसी भी कीमत में आप उनके हो जाओ, और आपकी इंट्यूशन कहती कि नहीं, ये
ज़िंदगी में एक एक कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहते हैं, अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन, कोई भी गलत एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको ज़िंदगी का इतना तजुर्बा है, इतना अनुभव है कि ज़िंदगी ने आपको कम समय में ही बहुत कुछ सिखा दिया है। कम समय में ही आपकी ज़िंदगी हर इंसान की तरह नॉर्मल नहीं रही है, आपकी ज़िंदगी हर इंसान की तरह नॉर्मल नहीं रही है, और आपको ऐसा लगता है कि ये इन सब चीज़ों को समझते नहीं हैं, आपको लगता है कि शायद इमेच्योर है, आपको लगता है ये कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि आप अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये जो पर्सन है आपके, जिनके बारे में आप देख रहे हैं, इन लगता है कि आप अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और आपका परिवार आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है, तो आपको इनके साथ शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, अभी आप इतनी आसानी से इन पर ट्रस्ट कैसे कर लें, कैसे कर लें इतनी आसानी से ट्रस्ट, जब आपका ट्रस्ट कई बार टूट चुका हो। आपको लगता है कि क्या भरोसा है कि जो मेरे साथ पास्ट में हुआ मैं जल्दबाजी में इसके साथ आगे बढ़ जाऊं और फिर फ्यूचर में मेरे साथ वो सब कुछ ना हो। इसी वजह से आप बहुत संभल कर चल रहे हैं और इनके अंदर थोड़ी जल्दबाजी है आपको लेकर, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, आपसे बहुत प्यार करते हैं और पता है आपको लेकर कभी कभी बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, पता नहीं ये इंसान कभी मेरे प्यार को समझेगा फिर नहीं समझेगा। अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स हैं, हम आपको एक सॉन्ग सुना देते हैं। आई होप कि वो सॉन्ग आपको अच्छा लगे, ठीक है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो वादियाँ वो फिजाएं के हम मिले थे जहाँ, वो वादियाँ वो फिजाएं के हम मिले वहीं पे मजार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। और आपकी एनर्जी ये है, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफ़ा
पर आज भी है हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। आपने ये मूवी देखी है? चलिए मूवी छोड़िए, आपने ये सॉन्ग सुना है? ये गज़ल है, एक किसी मूवी की गज़ल है। उसमें जो एनर्जी होती है ना, उसमें जो कंडीशन होती है ना, वो कंडीशन कहीं ना कहीं इस रीडिंग से मैच करती है। कि आपको कोई बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन या तो आपकी शादी हो गई है या फिर आप अनमैरिड भी हैं ना, तो आपको प्यार में इतने धोखे मिले हैं कि अब बहुत ज़्यादा आप सतर्क हो गए, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, और अब आप प्यार के बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं। आपको डर लगने लगा है प्यार से। आप जानते हैं कि आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हर इंसान जब नया नया ज़िंदगी में आता है ना, तो वो ऐसी ही बातें करता है, ऐसे ही चांद तारों पर ले जाता है, लेकिन बाद में वहीं से पटक देता है, वहीं से धक्का मार देता है, और इंसान की ज़िंदगी नर्क हो जाती है। और अब आपको अपनी ज़िंदगी नर्क करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा। आप पसंद करते हैं, आप चाहते हैं, आप इनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप अभी इनके साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते, इसके बारे में आप नहीं सोचते हैं। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी का, तजुर्बा बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी का, सिर्फ इस वजह से। तो डियर, ये आपसे सिर्फ इस वजह से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपसे नाराज़ हैं, और इन्हें लगता है कि आप इनसे मतलब के लिए बात करते हैं। जब आपकी लाइफ में कुछ बिगड़ा होता है, जब आप परेशान होते हैं, तो आप इनके पास आ जाते हैं, आप इन्हें कॉल कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, और जब आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाता है, तब आप फिर से इनसे दूरियां बनाने लगते हैं। तो अब इनके मन में दो ही चीज़ें हैं, या तो आप इनको समझें और इनको कभी छोड़ कर ना जाएं, इनको एक्सेप्ट करें, और या तो फिर ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अभी इनकी जो नाराज़गी है ना, वो कितने दिन तक रहने वाली है ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये नाराज़गी इनकी इसी बात को लेकर है, ठीक है, और इसी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बट डोंट वरी, ये छोटी मोटी नाराज़गी है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, जहाँ पर सच्चे रिश्ते होते हैं, दिल के रिश्ते होते हैं, वहाँ ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। और आप टेंशन मत लीजिए, अगर ये आपके दोस्त हैं, जो भी हैं ये आपके, ये बहुत समय तक आपसे नाराज़ नहीं रह पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।